हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सीजी वैपम के द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई है और दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रेस विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाओं सेवा की ओर से इसको जारी किया गया है। जो एग्ज़ाम लिया गया था सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए, उसका यहाँ पर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023, मॉडल आंसर इसका 25/6/2023 को जारी किया गया था और दावा पत्ति की जो लास्ट डेट दी गई थी वो 28/6 थी। इसके बाद अब जो है अंतिम जो है इसका अंतिम उत्तर भी जारी कर दिया गया है और साथ ही परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, 27/7/2023 आज से व्यापम की वेबसाइट पर इसका जो है रिज़ल्ट आप देख सकते हैं और इसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही ये लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के रिजल्ट वाले जो है सेक्शन पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरे प्रेस विज्ञप्ति की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर है ये कि 27 जुलाई 2023 का आज का ये प्रेस विज्ञप्ति है, सीजी वैपम ने जारी किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती और पर्यवेक्षक परिसीमित सीधी भर्ती MBS 2023 के संबंध में इसको जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम का डेट जो कल के डेट पर मैंने आपको अपडेट दिया था कि व्यापम के द्वारा ये जारी किया गया था प्रेस विज्ञप्ति नोटिफिकेशन में, जिसमें जानकारी दी गई थी कि 13 अगस्त को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस खबर पर व्यापम ने ये इस जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि यह प्रसारित किया जा रहा है कि व्यापम द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। स्पष्ट किया जाता है कि व्यापम द्वारा अभी कोई परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं की गई है। परीक्षा तिथि की घोषणा व्यापम की वेबसाइट पर की जाएगी। ठीक है, कृपया उक्त विज्ञप्ति परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में मुद्रित होने वाली संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें। व्यापम ने ये जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी गई है कि जो 13 अगस्त को जो एग्ज़ाम लिया जाएगा ये प्रसारित किया जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है और इसके लिए कोई भी परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। आगे इसके लिए जो भी परीक्षा तिथि होगी वो व्यापम के द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये उनके द्वारा जानकारी दी गई है। तो 13 अगस्त को इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जो जानकारी दी गई थी वो सत्य नहीं है, इस प्रकार से ये इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया है। इसको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।